हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेख शर्मा और मैं आपके अपने चैनल यूट्यूब बेसिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप ट्रू कॉलर से अपना नंबर कैसे हटा सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू ट्रू कॉलर वर्क कैसे करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम या आपके पास जो ब्राउज़र उसमें चले जाना है और आपको सर्च करना है www.com Truecaller.com अनलिस्ट, ये सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखेगा जो कि मैं अभी दिखाता हूँ। सर्च करने के बाद जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है अनलिस्ट फ़ोन नंबर। फिर आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर लिखने के लिए बोल रहा है और नीचे आपको टिक करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नंबर डालना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कोड डालना है जो कि होता है जो +91 होता है। वो डालने के बाद आपको अपना नंबर डाल देना है, जो भी आपका नंबर है, जो भी आप जिसे हटाना चाहते हैं, जो भी आपको जिसके ऊपर आपको नाम हटाना हो, वो नंबर इसमें इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप जो नीचे आई एम नॉट रोबोट टाइप का कुछ लिख के आ रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आप देख सकते हैं सबमिट या दोस्तों कुछ है, उस पर आपको सबमिट कर देना है। आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं वहाँ पे अनलिस्ट कर देना। अनलिस्ट नीचे लिख के आ रहा है दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लिखेगा कि आप श्योर हैं कि आपको यही नंबर आपको अनलिस्ट करना है कि आपको नंबर चेंज करना है। तो आपको अगर यही नंबर रखना है तो ठीक है, वरना फिर अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि लिख के आ रहा है कि योर नीड अ सक्सेसफुल, आपने जो भी नंबर डाला था वो सक्सेसफुली इंटर हो गया है और अनलिस्ट हो गया है। तो आप 1 या 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि वो अनलिस्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, दिक्कत तब आती है जैसे कि ये एक कंप्यूटराइज होता है, आपने डाल दिया, पर जैसे कि कुछ महीने या कुछ साल बाद वो फिर से अगर आपका उनके डेटा सर्विलांस में आपका नंबर दिखाई देगा जिस नाम से, तो वो फिर से दिखाने लगेंगे। इसलिए आपको महीने या साल में उसे चेंज 1-2 बार देखते रहना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जिनको ये नहीं पता उन्हें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा लगा हो जो कि आपको पसंद ना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।